तीनों की जो मैरिज लाइफ है इज द स्टड्स चीज पसंद आ गई है सो आई बाय इट इफ यू हैव two to three lakh की जीजा सा और भैया सा तो डायमंड इज नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट पर्ल वाली क्वेश्चन है वास्तु के हिसाब से आपने क्या कौन सी प्लेसमेंट की है और उसके बेनिफिट्स क्या है जब हमने घर ले लिया ना उसके बाद मैं वास्तु में आई हूँ तो जब मैं वास्तु सीख रही हूँ जब मैं सीख चुकी मतलब वास्तु घर तो ले चुके थे उसके बाद हमने घर लिया है तो जब मैं वास्तु सीख रही थी और मैं अपने घर को देख रही थी तो मुझे ये पता चला कि मेरे घर में काफी ज्यादा प्लेसमेंट डिफरेंट है मतलब इस तरीके ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए बट क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ नो आई कांट चेंज देम राइट मैं तो घर परचेज कर चुकी हूँ है ना तो ऐसा आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी सिचुएशन सेट हो रही थी और ये चीजें हो गई तो जब मैं जाऊंगी जब मैं चीजें करूंगी तब मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आपके साथ कुछ चीजें मैं डेफिनेटली चेंज करूंगी वहां पर है वो है अजमेर ब्लॉगर रानी का मैं राजस्थान से हूँ मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स उसके बाद है मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है घूंघट निकालो राजपूत ड्रेस पहनो उससे हैवी ड्रेस में घर के काम करो विद घूंघट ये मत कहो ये मत पहनो ऐसा मत चलो एक्सेट्रा बट सो एक्चुअली सी यू कैनॉट चेंज द समाज बहुत रूढ़ीवादी जो सोच के लोग हैं जिनको जो 60 साल से एक ही सोच लिए हुए हैं वो आप इतने ईजिली उनको चेंज नहीं कर सकते आपको बहुत स्लोली एंड स्टेडीली चेंज करना पड़ेगा समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है आपने जैसे लिखा कि आपको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं मत करने तो क्या फर्क पड़ता है अंटिल अनलेस आप हैप्पी हो आप अपनी मन की चीजें कर पा रहे हो आपके हस्बैंड के साथ मजे से रह रहे हो क्या फर्क पड़ता है वो आपको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते मत सोचा करो उनके बारे में हाउ इज टीनू हाउ हर मैरिज लाइफ गोइंग ऑन हर इन-लॉज आर कोऑपरेटिव और इविल ओके सो ओके आता तो टीनू की जो मैरिज लाइफ इज गोइंग अमेजिंग उसके जो इन-लॉज हैं मदर इन-लॉ का एग्जांपल होता है ना वो टीनू की मदर इन-लॉ मतलब शी इज दैट कूल वो वेरी चिल शी इज वेरी कूल कोई टोका टाकी कोई फालतू की चीजें नहीं मतलब इतना टाइम उनको 8-9 महीने हो गए शादी के बट आज तक उन्होंने टीनू को एक चीज नेगेटिव नहीं बोली है इट्स अ वेरी बिग थिंग क्योंकि इनिशियल स्टेज में ही जो भी पंगे हो रहे होते हैं ना शादी की बात वो सब इनिशियल स्टेज में ही हो रहे होते हैं अगर अभी नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता आगे कभी होने वाले हैं आप सोचो सैम मतलब हमारे फैमिलीज में हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज है कि लड़का आकर के अपने ससुराल में 15 दिन 20 दिन रुक रहा है और वो भी काफी फ्रीक्वेंटली विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम स्पैन में वो 3-4 बार सैम आकर के मस्त 15-20 दिन यहाँ रुक के जाता है तो अगर उसकी मम्मी या पापा की मेंटालिटी जरा सी भी वैसी होती है ना टिपिकल टाइप की होती है तो मुझे नहीं लगता वो ये रह पाता तो सैम के अंदर भी उसके मम्मी पापा के ऑब्वियसली वो लोग इतने अच्छे एंड ब्रॉड एंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट के तो वो सैम के अंदर भी मेंटालिटी तो सैम इज आल्सो वेरी चिल वेरी कूल और बहुत सही है मतलब मैं ऐसे ही चाहती थी कि यार जो हमारा ब्रदर इन लॉ आए ना जो मतलब घर का दामाद आए ना वो ऐसा होना चाहिए कि उसके सामने ना ऐसे फॉर्मेलिटीज ना करनी पड़े कि जीजा सा और भैया सा एक और चीज मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करना चाहूंगी कि सैम इज नॉट माई ब्रदर इन लॉ एनी मोर ही बिकम्स माई ब्रदर राखी पे जैसे कि हमारे घर में क्या राखी पे हम सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं टीनू और मैं भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं टीनू मुझे बांधती है मैं टीनू को बांधती हूँ तो इस बार मैंने सैम को राखी बांधी उसकी भी कोई बहन है नहीं मेरा भी कोई भाई नहीं है वो अकेला था उसके हाथ में बिना राखी के कितना सूना सूना लगता तो वो जब राखी पे आया था तो आई टाई राखी टू हिम जूते छुपाए थे तो मैं उसकी बहन भी बन गई मैं उसकी भाभी तो हुई हूँ और अब साथ ही साथ मैं सैम की बहन भी बन चुकी हूँ सो लिटरली कोई जो पुराने मैं यही हंस रही थी बोल रही थी टीनू को मैंने कहा कोई जो पुराना टिपिकल मेंटालिटी का होगा ना जो रिश्तों को बहुत अहमियत देता होगा कि रूल्स रेगुलेशन समाज रिश्ते निभाना एंड ऑल दैट वो जब ये देखेगा ना कि हम चारों ने क्या करके रखा है आपस में तो वो पागल ही हो जाएगा कि भाई तुम क्या मजाक चल रहा है क्या बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज द बेस्ट वे मतलब मैं चाहती हूँ कि हम देखो आगे भी फ्यूचर में जब एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग ही एक दूसरे का सहारा रहेंगे तो आई वॉन्ट रिलेशन टू बी वेरी फ्रेंडली और ओपन और अच्छा रहना चाहिए हेल्दी रहना चाहिए गाइस सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन मुझे आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना है उसके बाद हम फिर से वीडियो रेज्यूम करेंगे तो एज यू ऑल नो जैसे आजकल एकदम भाग दौड़ बड़ी लाइफ है लोगों के पास टाइम नहीं है और इस टाइम नहीं होने की वजह से ना बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस आते हैं लाइफ जिसमें हम लोग चाहते हैं कि उसमें हम हमारा बेस्ट दिखें इवन देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट बट नथिंग बीट्स radiant and glowing skin. Well, Mamaearth's Vitamin C Daily Glow Cream has got you covered. Crafted with the goodness of vitamin C and turmeric, vitamin C will boost your collagen production and gives your skin a natural glow. Aur jo turmeric hai wo enriched with antioxidants and anti-inflammatory properties se hota hai. It brings out the skin's natural radiance and reduces dullness.
ये जो क्रीम है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और मॉइस्चराइजिंग इसका फॉर्मूला है. दिस क्रीम्स गेट अब्सॉर्ब इन द स्किन क्विकली एंड लॉक्स इन द मॉइस्चर एंड गिव्स यू अ रेडियंट फ्रेश ग्लो. सिंस यू ऑल नो दैट आई एम अटेंडिंग लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड क्लासेस दीज डेज, तो मुझे कुछ ना इंस्टेंट ग्लो एंड जो फटाफट हो जाए वैसा कुछ चाहिए रहता है. तो आई यूजली अप्लाई दिस मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो क्रीम. सो बेसिकली ये करता क्या है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, फ्री ऑफ केमिकल्स है, बहुत ही ज्यादा स्किन पे लाइट वेट है, सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. इवन आपको अगर मेकअप नहीं भी लगाना है ना, दैट टू आप सिर्फ ये क्रीम लगा लीजिए ताकि आपकी स्किन थोड़ी हेल्दी एंड ग्लोई दिखे, एंड आप लिप बाम लगाइए तो गुड टू गो, आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है. सो ये जो प्रोडक्ट है काफी हेल्पफुल है, अफोर्डेबल है, आपके डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब ये आपकी एक डेली गो टू क्रीम हो सकती है. सो प्रोडक्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर. एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ की वेबसाइट से मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. मामाअर्थ हैज लॉन्च देयर लॉयल्टी प्रोग्राम जिसका नाम है गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम. यू गेट फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट ऑन एवरी ऑर्डर एज वेल एज एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर ओनली फॉर द इनसाइडर्स. लिंक टू बिकम अ गुडनेस इनसाइडर इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Do check that out. Have any such plan for luxury things? Do you manifest this? What if you have 2-3 lakh to spend on any luxury item? What will you buy? So no, I don't have any such plan. मैं यंग होती ना, अगर आज से आप मुझसे पूछो 24-25 साल की एज में होती तब शायद मेरी भी कोई लिस्ट होती लग्जरी आइटम्स की. बट नाउ एक्चुअली आई कैन अफोर्ड इट, बट डज इट मेक एनी सेंस? वर्थ इट ही नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है कि अंटिल अनलेस मेरे पास 5 करोड़ के ऊपर का अमाउंट नहीं आ जाता ना, कि मुझे अब ऐसा लगेगा कि यार मैंने बहुत कमा लिया है, अब मुझे पैसे कहीं खर्च नहीं करने, मुझे कहीं बस उड़ाने हैं. तो वो उड़ाने के चक्कर में शायद मैं वो बैग खरीद लूंगी. बट हाँ, मेरे को ऐसा कोई शौक भी नहीं है. सबसे मेन शौक बड़ी चीज वाला फैक्टर जो होता है ना, कि नो, मैं जिन लोगों में उठती बैठती हूँ ना, दे ऑल आर वेरी फाइनेंशियली साउंड. मतलब घर से, जैसे मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा जो मुंबई से, मैंने आपको बताया ना, वो भी सेम टाइम पे शिफ्ट हुई है. शी वॉज वेरी वेरी रिच फ्रॉम देयर इन-लॉज की फैमिली. मतलब घर में फॉर्चुनर, BMW जैसी 4-5 गाड़ियां हैं, मतलब वेरी रिच फ्रॉम देयर इन-लॉज फैमिली. बट वो और उसका हस्बैंड एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं. मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत सिंपल है, मतलब हम सब लोग ना बहुत सिंपल वाले लोग हैं. मैच टू मैच हमारे पास अगर बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं कितने खर्च भी करूंगी ना, तो 20-25 हज़ार भी बहुत हो गया हैंड बैग के लिए. इससे ज्यादा का मेरा बजट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं बता रही हूँ ना, अगर 1 करोड़ मेरे अकाउंट में होंगे तो 20-25 हज़ार का बैग शायद मैं परचेस कर लूंगी उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए. अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विथ माई बैग एट केप्रसी. मैक्स टू मैक्स फॉसिल का ले लो भाई, ज्यादा ही है तो 6-7 हज़ार का आ जाता है, है ना, एल्डू का ले लो. तो इस तरीके के ब्रांड्स में आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आप जो डेली रूटीन पहले देते थे मॉर्निंग टू नाइट, वो कब से आएंगे? वो सब अच्छा लगता था, प्लीज वो सब वीडियो बनाओ. तो मैंने आपको लीशा, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूंगी. यहाँ पर वैसा रूटीन मेरा फॉलो नहीं हो पाता है, तो अगर रूटीन वैसा सेट होगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उस तरीके के वीडियो बनाने का. तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये हमारे यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिए हैं. अब मैं स्टार्ट करती हूँ जो इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चन है उनसे. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस फॉर सेविंग योर होम, प्लीज गिव सम टिप्स और एडवाइस. ये मैंने जो होम परचेज वाला है ना, उसमें आई थिंक उस Q&A में मैंने बताया था कि किस तरीके से हमने अपने एक्सपेंसेस मैनेज करे हैं. सो यू कैन वॉच दैट क्वेश्चन Q&A वाला. उसके बाद नेक्स्ट है दिव्या विजय का क्वेश्चन, हाउ टू प्लान इंटीरियर इफ यू डोंट नो व्हाट स्टाइल टू बी यूज्ड, हाउ टू मेक अवर इंटीरियर्स टू डू बेस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो व्हाट स्टाइल यू लाइक द मोस्ट, आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप Pinterest में जाइए और Pinterest में जाकर के होम इंटीरियर सर्च करिए. मैं आपको बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे एक इंडियन डेकोर होता है, बोहो होता है, मॉडर्न होता है, कंटेम्प्रेरी होता है. तो आप इस तरीके से स्टाइल्स देखिए पहले, उसमें देखिए कि आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट क्या कर रहा है. मुझे ना कैसा लगता था जब मैं किसी का भी व्हाइट घर देखती थी ना, तो मुझे व्हाइट बहुत पसंद आता था, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आता था. मुझे ऐसा लगता था, हाँ आई लव दिस व्हाइट होम, कंप्लीट व्हाइट, हाँ मुझे व्हाइट घर करना है. फिर उसके बाद जब मैं किसी का इंस्टाग्राम पेज पे कलरफुल घर देखती थी तो मुझे वो भी बहुत पसंद आना था. आई वाज लाइक, हाँ यार मुझे ना ये कलरफुल करना है. फिर मैं किसी का इंडियन डेकोर देखती थी तो मुझे वो भी बड़ा पसंद आता था. बट नाउ इफ यू फॉलो माय वीडियोस फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ना, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया. मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे एक तो व्हाइट बेस बहुत पसंद आता है, मतलब कंप्लीट व्हाइट के ऊपर पॉप ऑफ कलर्स हो. तो मैंने क्या किया, इन दो स्टाइल्स को मिक्स कर दिया. सो व्हाट आई डिड इज, मेरा जो आप घर के पैटर्न्स देखोगे, मैं हमेशा या तो व्हाइट थीम रखती हूँ और उसके ऊपर जो मैं अगर जिसमें रह रही हूँ, मैं अगर स्टाइल कर रही हूँ,
मेरे घर मेरे लिए, तो आई ऑलवेज यूज पॉप ऑफ कलर, सो दिस इज माई स्टाइल विद ब्राइट कलर. इसी तरीके से आप अपने स्टाइल्स देखिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है. अगर आपको इंडियन डेकोर मॉडर्न डेकोर पसंद है तो यू कैन मिक्स बोथ द स्टाइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियंका सिरोही का है, वाई यू मोस्टली सिलेक्ट व्हाइट कलर फॉर फर्नीचर? बिकॉज आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हाइट फर्नीचर और मुझे बहुत ईजी लगता है व्हाइट फर्नीचर मेंटेन करने के लिए, दैट्स वाई आई ऑलवेज सिलेक्ट व्हाइट कलर. मैनेज टू गो ऑल अलोन फॉर शॉपिंग ईटिंग एक्सेट्रा, आर यू कम्फर्टेबल गोइंग अलोन going all alone and eating outside? Yes, I'm very very comfortable. And how I manage? मैं बस उठाती हूँ अपना सामान और निकल जाती हूँ ऑटो पकड़ के. पहले तो मैं कार नहीं चलाती थी तो मैं ऑटो से जाती थी. आपने शायद मेरे पुराने अगर ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपने सुना होगा कि मैं हफ्ते में एक बार मेक श्योर करती थी कि मैं अकेली मॉल जाती ही जाती थी. यानी कि कुछ लेना है जस्ट ऐसे ही गए, घूमने के लिए जा रही हूँ, विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, कहीं खाने का मन कर रहा है तो खा रही हूँ. तो चलो मुंबई में तो इस तरीके का कल्चर है कि यू कैन गो ऑल अलोन एंड जस्ट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, वहाँ कोई इतना माइंड नहीं करता है. आप सोचो यहाँ भोपाल में मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए, यूजुअली होता है शादी की शॉपिंग में लड़कियाँ किसी ना किसी के साथ जाती है, मम्मी के साथ जाती है. मैं तो अकेली निकल जाती थी, कुछ भी लेना है अगर ऑफिस के पास वो जगह है तो मैं लेती हुई आ रही हूँ. सो दिस इज द हैबिट फ्रॉम बहुत पहले से मेरे अंदर ये हैबिट है. और यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे मेरे आसपास बहुत पहचान के लोग रहते हैं, या तो मेरी मम्मी के कॉलेज की पहचान की काफ़ी सारे टीचर्स रहती हैं, मेरे इन-लॉज को सब जानते हैं, विक्की की पहचान के बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं. फिर भी मैं अकेली मस्त जाती हूँ, जब मेरा मन करता है पानीपुरी के ठेले पे खड़ी होती हूँ, पानीपुरी खाती हूँ और आ जाती हूँ. बिल्कुल मैं एक पर्सन नहीं सोचती हूँ कोई मुझे देख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, ये वो फलाना ढिमकाना. आई गो ऑल अलोन एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी अ लॉट. और दूसरी चीज़ ये है कि आप सोचो जनरली होता है ना, लोग गोल्ड वगैरह शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो अपने या तो हस्बैंड को लेकर जाते हैं या घर के किसी बड़े को लेकर के जाते हैं. जितनी भी बहुत सारी मेरी ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने अकेले जाकर के ली है. ऐसा नहीं कि मैं विक्की को ले जाना नहीं चाहती हूँ या ये वो, अगर उसकी अगर उसको छुट्टी मिलती है और अगर वो फ्री है और वो जाना चाहता है तो वो चलता है, अदरवाइज मैं अकेले कर लेती हूँ. ऐसा नहीं है प्रायोरिटी पे कि हस्बैंड होना ही चाहिए मुझे ये शॉपिंग कराने के लिए तभी वो लेकर के जाएगा. ऐसा है कि अगर मुझे खरीदना है, मेरे अकाउंट में उस टाइम में पैसे हैं और मेरा मन हो गया है, कोई चीज पसंद आ गई है, सो आई बाय इट. है लोन अमाउंट एंड होम कॉस्ट, टोटल सेविंग, लोन अमाउंट एंड होम कॉस्ट. यार लोन अमाउंट ना बहुत पर्सनल हो गया, ये मैं नहीं बता पाऊंगी. और होम कॉस्ट भी मैं इसलिए नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं इतना बता दूंगी कि हमारा जो घर है, जो हमने जितने में परचेस किया था, लोगों ने जिस टाइम पे हमने परचेस किया था ना, जितना उसका अमाउंट गिर गया था, तो अब जब हम चले गए थे तो ऑब्वियसली हमारा जब काम चला था तो काफ़ी लोग मिलने के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे. तो कुछ लोगों ने जब 2019 में हमारी जो बिल्डिंग है ना, इट वॉज अ 5 नंबर बिल्डिंग, तो जो 5 नंबर बिल्डिंग है वो 2019 में ही इंट्रोड्यूस कराई गई थी. हम लोगों ने जितना हमने पे किया है उससे 15 लाख ज़्यादा दिए हैं, और अभी भी जितना हमने पे किया था ना उससे उस घर में अब वापस से 18-19-20 लाख रुपए बढ़ चुके हैं. तो इसलिए घर का एग्जैक्ट कॉस्ट बताना प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि जब हमने लिया था तब उसका कॉस्ट काफी बीच में कम आया था, एंड अगेन इट्स एट हायर कॉस्ट. डेफिनेटली 1 CR के ऊपर ही है वो घर. ट्रैवल प्लान्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, नो एज सच नो ट्रैवल प्लान. मैंने जब मैं घर शिफ्ट करी थी ना तब मैंने विक्की ने वैसे जरूर बोला था कि इस टाइम पे हम कहीं घूमने चलेंगे, तो मैंने बोला था यार मुझे ना सुकून चाहिए, घर पे रहना है. उसके बाद फिर और ही कुछ सिचुएशन हो गई है तो ट्रैवल प्लान तो मेरा है ही नहीं. मैं क्या बता सकती हूँ कि घर परचेस करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल रिलेटेड, ये भी आई थिंक मैं फाइनेंस वाले पार्ट में बताना ज्यादा प्रेफर करूंगी. उसके बाद माई इन लॉज डोंट ट्रीट देयर डॉटर एंड डॉटर इन लॉ इन सेम वे, दे सिंपथाइज विद देयर डॉटर. यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये कोई भी करेगा. इनफैक्ट आपके खुद के पेरेंट्स भी होंगे, दे सिंपथाइज विद देयर ओन डॉटर, उनका खून है वो, और डॉटर इन लॉ के साथ थोड़ा रहेगा पर उतना नहीं रहेगा. सो डू नॉट माइंड दिस, ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है. ओके, विल यू एवर हैव ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर अगेन? आई डोंट नो, अभी तक तो बिल्कुल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है टू हैव माई लॉन्ग हेयर. भोपाल आके तो ग्रोथ डबल हो जाती है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है फॉर नाउ 4-5 years, उसके बाद का मुझे नहीं पता. वन मोर क्वेश्चन, आपको घर पे रहना ज्यादा पसंद है या बाहर जाकर घूमना फिरना एंजॉय करना? मुझे घर पर रहना बहुत ज्यादा पसंद है. चाहे आपको कुकिंग करना ज्यादा पसंद है या डेकोर वाली चीजें करना और उसके लिए शॉपिंग एंड ऑल करना, प्रज्ञा डेफिनेटली मुझे डेकोर वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है. कुकिंग और मेरी ज़्यादा दोस्ती है नहीं, और उस दोस्ती को बढ़ाने के लिए मैंने अपने किचन को इतना फैंसी बनाया था ताकि मेरा मन हो किचन के अंदर जाने के लिए. इसीलिए ताकि मैं किचन में जाऊँ, मैंने अपने पूरे घर का सबसे हाई बजट मेरे किचन का ही था. उसके बाद है हाउ विक्की भैया इज सो सपोर्टिव इन ऑल योर डिसीजंस. ऐसा नहीं है कि वो सारे मेरे डिसीजंस पे बहुत सपोर्टिव है, हम दोनों मिलके ही कोई चीज़ डिसाइड करते हैं और एक डिसीजन पे पहुँचते हैं. अगर वो अच्छा है किसी चीज़ के लिए तो दोनों ही हाँ करते हैं, और एट द सेम टाइम मैं भी विक्की को सपोर्ट करती हूँ भाई उसकी चीज़ों में. मतलब दोनों ही एक दूसरे को हम लोग
सपोर्ट करते हैं। ध्रुति का क्वेश्चन है, हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड पर्सनल कमिटमेंट्स करंटली? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इजी और डिफिकल्ट? सी इट्स इन बोथ वेज। देखो ये इजी भी है और ये डिफिकल्ट भी है। जैसे अभी मैं अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मुझे नहीं लगता अगर मैं अभी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होती या मैं अगर मैं किसी और के अंडर में काम कर रही होती या मैं किसी कॉर्पोरेट वर्क में जॉब कर रही थी, तो मैं जितना टाइम अपने पेरेंट्स को भी दे पाई हूँ उनकी जरूरत पर, मैं कहीं दे पाती? मैं नहीं दे पाती, ऑब्वियसली मैं नहीं दे पाती। मेरी प्रायोरिटी क्योंकि कहीं और होती, या तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाती और या तो पता नहीं क्या करना पड़ता उस टाइम, पता नहीं कैसा दिमाग चलता। बट मुझे ऐसा लगता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपने एक अलग फायदे हैं और अपने एक अलग डिफिकल्टीज भी हैं। डिफिकल्टीज इसलिए हैं कि जब आप काम बंद कर देते हो, जैसे जब मैंने 1 से 1.5 महीना काम बंद कर दिया तो मेरी इनकम ऑलमोस्ट लाइक बहुत मिनिमल हो गई थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा है कि आप बस जब तक काम कर रहे हो तब तक आपको पैसा आ रहा है, जैसे ही आपने काम बंद कर दिया आपका इनकम भी ऑब्वियसली रुकेगा ही रुकेगा, राइट? तो वो एक थोड़ा इसका नेगेटिव पार्ट होता है। उसके बाद बैलेंस वर्क एंड पर्सनल कमिटमेंट्स, तो डेफिनेटली मैं अपने पर्सनल कमिटमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ एज कम्पेयर टू माई वर्क। मैं वर्क को भी बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। आज मैं जो हूँ, जो भी मैं खरीद पा रही हूँ, कर पा रही हूँ फाइनेंशियली अपने आप को, वो सब मैं अपने वर्क की वजह से कर पा रही हूँ। वर्क और पर्सनल कमिटमेंट्स में बात आएगी तो मेरी पहली प्रायोरिटी पर्सनल कमिटमेंट रहेगी वर्क के आगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अभी इतने सारे अपने डोर्स ओपन कर लिए हैं वर्क से रिलेटेड कि अगर मेरा ये नहीं तो मैं ये नहीं तो मैं ये, अच्छा अगेन सोफेस्टिकेटेड वर्क से अच्छा खासा पैसा कमा लूंगी तब भी। ब्यूटी विद ब्रेन का क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो एनर्जेटिक ऑल द टाइम? नो आई एम नॉट एनर्जेटिक एवरी टाइम। मैं कैमरे में शायद एनर्जेटिक दिखती होंगी बट मेरे बहुत सारे टाइम जैसे लो एनर्जी जोन्स भी आते हैं, फेजेस भी आते हैं जब मैं, तब फिर मैं कैमरा नहीं उठाती तो मैं सोना पसंद करती हूँ। हाउ टू मैनेज योर सैलरी इन मुंबई, आई मीन शेयर योर बजट। बजट रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक अनदर वीडियो। उसके बाद श्वेताली राजपूत का है, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड हाउ डू यू मैनेज द स्ट्रेस एंड डिफिकल्टी सिचुएशन विद पेरेंट्स? आंसर दे दिया है इससे मिलता जुलता, तो वैसे ही हो गया है वो कि सिंगल चाइल्ड कैसे मैनेज करना है। यू आर सो क्रिएटिव एंड योर कॉन्टेंट इज सो गुड, डज इट बॉदर यू दैट अदर्स विद ओके कॉन्टेंट हैव मोर व्यूज? नॉट एग्जैक्टली, मतलब मुझे देखो अभी मैं ना मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक घंटा ही फर्क पड़ता है कि कोई क्या कर रहा है, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, अनटिल अनलेस आई एम सैटिस्फाइड विद माय वर्क। डेफिनेटली कभी कभी आपको देख के थोड़ा अखरता है कि यार इसने क्या बनाया है और इसको क्या इतने व्यूज आ रहे हैं। एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, काफी बार अपने यूट्यूब में बोला है कि मुझे श्रेया जैन एज अ यूट्यूबर काफी पसंद है, एंड अपार्ट फ्रॉम यूट्यूबर उसकी जो पर्सनैलिटी है ना मुझे वो बहुत पसंद है। सो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अभी रिसेंटली जैसे नवरात्रि सीरीज चल रही है तो आई थिंक आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं देखा, श्रेया की नवरात्रि सीरीज आप देखना, जो उसने कंटेंट डाला है उस नवरात्रि सीरीज में, जो वो स्टोरी पोर्ट्रे कर रही है, माइथोलॉजिकल हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी जो उसने पोर्ट्रे करी है, कमेंडेबल जॉब। मेकअप को करने में कितनी मेहनत लगी होगी ना, 3-3, 4-4 घंटे वो एक मेकअप को करने में, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैड डन, प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करना इतना परफेक्टली, और आप उसके सीरीज में वो व्यूज देखो कितने आए हैं। अगर के एक लिपस्टिक लगा जाएगा उसके 6-6 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख शॉर्ट्स में व्यूज हैं, तो मैं तो अपने आप को कुछ कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ उस बंदी के सामने, जिस तरीके का हार्डवर्क वो शो करती है और करती है। तो आप जब सोचो फिर भी वो अपना काम कर रही है, राइट? वो आज भी अपना काम ही कर रही है, तो आप अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत देखो, है ना? फल कर्म आपका सब कैलकुलेट करने वाले ऊपर बैठे हुए लोग, तो अब मैं इतना माइंड नहीं करती, मेरे हाथ में भी नहीं है इसको सोचना, तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट है रोहिणी का, हाउ इम्पोर्टेंट अ करियर इज इन अ गर्ल्स लाइफ और हाउ यू कैन एक्सप्रेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन इज नेसेसरी फॉर वन? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऐसा होना चाहिए कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो। फाइनेंशियल क्या, मैं तो बोलती हूँ हर चीज में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू जस्ट मेक इंडिपेंडेंट यू इन दिस बेसिक थिंग्स, जो ये बेसिक चीजें हैं ना, खुद से काम करना, खुद से अपने मतलब घर के लिए चीजें करना, खुद से अपनी खुद की चीजें परचेस करना, खुद से अकेले जाना। और मैं तो बोलती हूँ आपको ड्राइविंग भी नहीं आती ना, तो देर आर सो मेनी ऑप्शन, ओला है, ऑटो है, अकेले निकलो, अकेले करो, आप धीरे धीरे इसमें पहले इंडिपेंडेंट हो जाओ। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो एक बहुत बड़ी चीज है, वो तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद है, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज नाउ एंड बिफोर? सो मेरा रिलेशनशिप विद माय इन लॉज, जैसे अभी भी मतलब ऐसा तो पहले भी ऐसा भी था और अभी भी ऐसा ही है, बट अब मैं थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ, आई थिंक ज़्यादा साथ में रह लिए हैं इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ, या ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए कंफर्टेबल हो गई, या थोड़ी ओपन अप हो गई हूँ इसलिए कंफर्टेबल हो गई हूँ। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ओपन अप हो गई हूँ, सो आई फील अभी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कंपेयर टू पहले से ज़्यादा। उसके बाद योर इन लॉज इंटरफेयर इन योर एंड विक्कीज लाइफ इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग बाइंग एक्सेट? नो, नॉट एट ऑल। ये चीज़ों में तो मेरे पेरेंट्स ने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया है कि कपड़े लेने में या ये, इन बेसिक चीज़ों में किसी का इंटरफेरेंस
होना भी नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए, बिल्कुल भी अच्छा हेल्दी नहीं है. हाउ मच मनी वी शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड डायमंड एज आई हैव सीन यू वेयरिंग लॉट ऑफ डेंटी पीसेस, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस. सो देखो, अगर आप गोल्ड ले रहे हो डेफिनेटली गोल्ड को तो मैं फिर भी एक इन्वेस्टमेंट बोलूंगी, बट डायमंड को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगी, नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपको जब जरूरत पड़े आधी रात को भी तो आपको उसमें से पैसा मिल सके. डायमंड ऐसा कुछ चीज नहीं होती. आपको पता होगा बड़े से बड़ा ब्रांड का डायमंड ले लो, चाहे तनिष्क का डायमंड ले लो, कैरेट लेन तनिष्क का डायमंड लेता नहीं है. कोई सपोज तनिष्क की रिंग ली है और मैं उसको कैरेट लेन में जाकर के चेंज कर दूं तो कैरेट लेन वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे. तनिष्क जो कि कैरेट लेन का पार्टनर है, अगर मैं बोलूं कैरेट लेन का डायमंड मैं तनिष्क में जाकर के चेंज करूं, तनिष्क वाले मना कर देते कि हम नहीं लेंगे. ऐसे ही सब जगह चलता है, मतलब एवरी इवन लोकल ब्रांड वाले जो डायमंड होते हैं ना, वो लोग तो किसी उसमें लेते ही नहीं है. तो जिसका ब्रांड का डायमंड है वही लेता है, क्योंकि डायमंड इज अ वेरी बिग ब्लैक मार्केट है. तो डायमंड इज नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ आपके एक शौकिया तौर पे पहनने वाली चीजें हैं. तो मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ी बहुत डायमंड की चीजें ले सकते हो, जैसे आपको शौक है तो आप 5-6 चीजें ले लो. उसके बाद व्हेन यू रियली वांट टू इन्वेस्ट ना, देन स्टॉप इन्वेस्टिंग इन डायमंड्स, रादर देन आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही होगा. आप आधी रात को 3 बजे भी किसी के पास जाके गोल्ड रखोगे ना तो आपको उसका पैसा बहुत अच्छा मिलेगा. सो डायमंड इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू यू बाय योर चेन्स? You wear on the video from the starfish, the small hanging coins, etc., etc. Love, and I get so many questions related to my gold dainty jewelry. First, काफी सारे requests आते हैं. मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि यार मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ में share नहीं कर सकती हूँ. So I literally follow this thing कि अपने जेवर और दूसरे अपने तेवर, ये दो चीज़ें इतनी आसानी से किसी को दिखाना नहीं चाहिए. और on this public platform, you never know कौन आपको किस तरीके से देख रहा है. Mostly you see me wearing is 99.9% is real. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज शेयर योर ज्वेलरी कलेक्शन, इफ नॉट देन शेयर वॉट एवर यू आर वेयरिंग वाइल मेकिंग द वीडियो. अभी एटलीस्ट मैं आपको जो पहनी हुई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ. सो दिस इज माई रिंग विच आई बॉट अभी आई थिंक जनवरी में मैंने परचेस किया था अपने बर्थडे में. आई गिफ्टेड दिस टू माई सेल्फ. सो दिस इज माई रिंग जो मैं अपनी एंगेजमेंट रिंग की जगह पे पहनती हूँ. चेंज तो कर लिया था बट आई रिग्रेट बाइंग दिस रिंग. उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरी जो पिछली वाली रिंग थी ना वो बहुत ही अमेजिंग साइज की थी, थोड़ी बड़ी हो जाती है और मुझे अगर कहीं अकेले ट्रैवल करना होता है, ट्रेन से ट्रैवल करना होता है, तो आई यूजुअली रिमूव दिस बिकॉज सेफ नहीं होता है. मैं अकेले अगर कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो अलग से पूरे हाथ में चमकती हुई दिखती है. सो रियल डायमंड की है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी मी वेयरिंग इज ईदर फ्रॉम तनिष्क, 60% to 70% ईदर फ्रॉम तनिष्क. बाकी का जो बचा हुआ रहता है दे आर फ्रॉम अदर ज्वेलर्स, लाइक सम फ्रॉम कुछ एक आध दो चीज़ें मेरे पास कैरेट लेन की भी हैं विच आई रिग्रेट बाइंग. कुछ एक आध चीज़ें मेरे पास मियाँ की भी है, कुछ एक आध चीज़ें मेरे पास ब्लू स्टोन की भी है, फिर बाकी कुछ चीज़ें मेरे पास लोकल ज्वेलर्स की हैं, ब्रांड्स जूल्स की हैं, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के हैं. प्रिटी सी रिंग है, हार बना हुआ है और यहाँ पर एक ये स्टोन लगा हुआ है. सो दिस इज नॉट द रियल डायमंड, ये नॉर्मल ऐसी बस स्टोन लगाया हुआ है. मैं पहनी हुई हूँ ना, दिस इज अ बैंड, ये एक सिंपल सा ऐसे बैंड है और यहाँ पर देख रहे हो ये जो आप छोटा सा देख रहे हो इसमें एक डायमंड लगा हुआ है, रियल डायमंड. एंड ऐसे ये लिंक्ड, आजकल ये लिंक्ड वाली जो फैशन है ना ये बहुत ज्यादा फैशन में आ गई है, बट ये मैंने काफी पहले ली थी. और दिस इज माय नेक्स्ट रिंग. ये जो आप देख रहे हो ना ये मैंने इसे स्टैक करके पहना हुआ है. दिस इज द वन बैंड, दिस इज द अनदर रिंग एंड दिस इज द अनदर बैंड. दिस इज माई हैंड मंगल सूत्र, बहुत डेलिकेट सा है. पहनती थी जो थोड़ा हैवी सा था, ब्लैक कलर का जो आपने देखा होगा, उसमें छोटी सी बॉल थी, तो वो 5.5-6 ग्राम का हैंड मंगल सूत्र है और उसका जो पूरा वेट है ना वो पूरे उस बॉल पे है. तो जब आप काम करते हो ना तो वो कभी कभी बहुत अनइजी सा हो जाता है. तो मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए था तो थोड़ा लाइट वेट सा हो, वो फिर कभी कभी साड़ी वाड़ी या किसी हैवी चीज पे पहनने का मन हो तब मैं उसको पहनूंगी. तो मुझे ना ऐसा लाइट सा चाहिए था एंड आई तो डेली पहनने के लिए आई फील दिस इज द बेस्ट. और बहुत 2-2.5 ग्राम का है. नाउ कमिंग टू दिस ब्रेसलेट, सो बेसिकली दिस इज अ रेप्लिका ऑफ कार्टर. दिस इज नॉट ओरिजिनल कार्टर, दिस इज नॉट ओरिजिनल कार्टियर बोलते हैं या कार्टर बोलते हैं, आई रियली डोंट नो. सो दिस इज द फेक कार्टियर बट इन रियल मेटल. तो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने ये क्या बोला है. ओके, नाउ कमिंग टू माई इयररिंग सेक्शन. नाउ ये जो है ये नया पियर्सिंग है, दिस इज नॉट गोल्ड, ना ही ये डायमंड है, ये कुछ अलग ही मेटल है, आई डोंट नो क्या है ये. और उसके बाद यहाँ पर जो मैं पहनी हुई हूँ छोटा सा ये गोल्ड का इयररिंग है. दिस इज द स्टड्स जो मैं डेली के लिए पहनती हूँ, अगेन दिस इज रियल डायमंड. सेम स्टड्स टीनू के पास भी है, मेरे पास भी है. और उसके बाद नेक में जो मैं एक ये चेन पहनी हुई हूँ और ये अगेन मेरी तनिष्क की चेन है, पर्ल वाली, बहुत ही प्रिटी सी चेन, बहुत प्रिटी चेन है ये. तो मैं रेगुलर नहीं पहन सकती हूँ बिकॉज इसमें ना पर्ल्स लगे हुए हैं. मुझे उन्होंने बोला था आप रेगुलर पहनोगे तो ये खराब हो जाएगी,
मेड है ये पूरी चेन, सो दैट्स वाई उन्होंने मुझे बोला था कि यू कांट वेयर इट डेली. मुझे बहुत पसंद भी है ये, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये खराब हो जाए, दैट्स वाई डोंट वेयर इट ऑन डेली. सो यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.